जिला टीकमगढ़ के विद्युत केंद्र खरगापुर के अंतर्गत विद्युत विभाग के अधिकारी कई गांवों में आए दिन किसानों के विद्युत मोटर बिना किसी सूचना के उठाए लिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों में पानी देने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार किसानों को मीठे मीठे शब्दों में भाषणबाजी करके किसानों को खुश करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारी किसानों की चोरी छुपे विद्युत मोटर उठा ले जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है कुड़ीला हार का, जहां पर किसान रामेश्वर लोधी अपनी जमीन को पानी देने के लिए घर से विद्युत मोटर नहर पर ले गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सरकार बदल गई है, सरकार के साथ नियम भी बदल गए हैं। जैसे ही विद्युत विभाग में ये भनक लगती है कि किसानों ने अपनी मोटर चलाना शुरू कर दिया है, तभी विद्युत विभाग की टीम रामेश्वर लोधी की मोटर के पास आती है और मोटर को खोलने लगती है। तभी वहाँ रामेश्वर लोधी की पत्नी आती है और विद्युत विभाग के अधिकारियों से मोटर न ले जाने के लिए कहती है। अधिकारी नहीं मानते हैं, फिर महिला अधिकारी के पांव तक पकड़ने को कहती है, अगले दिन पैसा भी भरने को कहती है। इतने में विद्युत विभाग के बाबू द्वारा महिला को पुलिस का डर बताया जाता है कि पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट कर देंगे। महिला द्वारा कई बार हाथ जोड़कर निवेदन करती है, पांव पड़ती है, लेकिन अधिकारी को थोड़ी सी भी दया नहीं आती और मोटर लेके चले जाते हैं और पूरी एक दर्जन मोटरों को विद्युत विभाग द्वारा ले जाया जाता है और वहाँ किसानों से मोटी रकम वसूल कर मोटरों को वापस कर दिया जाता है। अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा ही चलता रहा तो किसान आखिर किससे अपनी गुहार लगाएंगे।